ये 14 और 6 20 सांसद मिलकर के भी झारखंड के मुद्दों पर कभी भी मुखरता से सदन के अंदर आवाज नहीं उठाते हैं। या 1932 का खतियान, सरना धर्म कोड, ये सारे मुद्दे तो आपने गिना दिया। जो हमारे तमाम सीमा सुरक्षा के जवान हैं और सीमा सुरक्षा के जो भी हमारे प्रयास हैं, कवायद हैं, उस पर क्या कोई खामी है? टाइगर जयराम महतो जो हैं, एक डिक्टेटर भी हैं। उनकी मर्जी ही पार्टी का संविधान होता है। मुझे अपना रास्ता अलग करना पड़ा। झारखंड का बेहतर सीएम कौन? सीएम हेमंत या रघुवर दास? अगर राज्य के अंदर कोई ऐसा नागरिक जो भारतीय नहीं है और हमारे राज्य में प्रवेश किया है, इस जोड़ी को सेरू नीरू की जोड़ी माना जाता था। टाइगर जयराम से कोई बड़ा सैद्धांतिक मतभेद नहीं था, तो फिर मुझे अलग होना पड़ा कि मैं चुनावी राजनीति से दूर रहूंगा। टाइगर जयराम से आज भी दुआ सलाम होती है। 12 साल की बच्ची दो बच्चे की मां बन गई है। 1000 के मैया सम्मान योजना से कल्याण नहीं होगा, ये एक चुनावी सगुफा हो सकता है। कि हमारे पास बहुत सुंदर विधानसभा भवन बना रघुवर दास जी के कार्यकाल में, उस दशा में आप एनडीए का साथ दीजिएगा या यूपीए का साथ दीजिएगा? क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, लोग जा रहे हैं तो कुछ अपराध की घटनाएं हो जा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। संजय मेहता ही टाइगर जयराम के आंख, कान और नाक है। दूरियां इतनी ही रखिए, जब कभी हम फिर मिलें तो शर्मिंदा ना। शर्मिंदा ना। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्धि झारखंड। आज मेरे साथ हैं झारखंड की सियासत का एक उभरता चेहरा, संजय मेहता। दर्शकों, आपको याद होगा संजय मेहता की गिनती कभी टाइगर जयराम के खासम खास सलारों में होती थी। कुछ लोग दावा करते थे कि संजय मेहता ही टाइगर जयराम के आँख, कान और नाक है। इस जोड़ी को सेरू वीरू की जोड़ी माना जाता था, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने, कुछ इस तरह के परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि यह जोड़ी आज टूट गई, बिखर गई। अब इसके पीछे के कारण क्या हैं? क्या दोनों के सपने अलग थे? क्या जिस मंजिल की ओर दोनों एक साथ आगे बढ़े थे, उस मंजिल को पाने के लिए दोनों के जो स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है, उसमें कुछ डिफरेंसेस आने लगा? आखिर इस बिलगांव के कारण क्या हैं? और इसके साथ ही संजय मेहता का झारखंड की सियासत में आगामी योजना क्या है, उनके आगे की भविष्य की रणनीति क्या है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम सीधा चलते हैं बगैर लागे लपेट के संजय मेहता के साथ। संजय मेहता जी, आपका काफ़ी शुक्रिया। बहुत आपका धन्यवाद। समृद्धि झारखंड आपने की टीम को बहुत आभार। बहुत कम समय पे हमें वक्त दिया, इसके लिए आभार आपका। संजय जी, जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि आपकी गिनती टाइगर जयराम के खासम खास में होती थी, कुछ जो हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोग थे जिनको झारखंड में एक लाइट नज़र आ रहा था आप लोगों के इस आंदोलन से, लग रहा था कि झारखंड जिस यथावत पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है उसमें एक बदलाव कि कहीं कोई झलक नज़र आ रही है, आखिर यह बिलगांव क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ आप दोनों का पॉलिटिकल एस्पायरेशन जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट का मामला है, या जिस लक्ष्य को आप लेकर आप लोग आगे बढ़े थे उसको पाने में जो स्ट्रेटेजी होती है, उस लक्ष्य को हासिल करने में जो रणनीति होती है, उसको लेकर भी मतभेद की स्थिति थी? जी, मैं इसको एकदम क्लियर आउट करता हूँ तुरंत। देखिए, क्या है कि जब भी आप किसी पॉलिटिकल जर्नी को स्टार्ट करते हैं आंदोलन के रास्ते से, आंदोलन एक अलग विषय है। आंदोलन होता है कि आप जो राजनीतिक सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, आप कुछ बिंदुओं पर जनता के साथ सड़क पर जाते हैं और सरकार से ये कहते हैं कि इन मांगों को आप पूरा करिए। जब आप इन पहलुओं को आप महसूस करते हैं कि सरकार इसको करने में असफल है, सरकार इसको नहीं कर पा रही है, तो आप राजनीति का रुख अख्तियार करते हैं। और राजनीति का जब रुख अख्तियार करते हैं आप डेमोक्रेसी में, तो मतलब कि आप नीतियों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि नीतियों के आधार पर आप चाहते हैं कि समाधान का रास्ता निकले जो सरकार नहीं कर पाई, और हम चुनावी राजनीति में जाएंगे। हम लोग चुनावी राजनीति में गए भी। लोकसभा के चुनाव के दौरान
हम लोगों ने ये विश्लेषण किया, हम ये पाए कि हम लोगों की हार की वजह क्या है। हम लोगों की हार की वजह ये थी कि हम लोग तमाम बूथों पर अपने कार्यकर्ता नहीं दे पाए, पोलिंग एजेंट सभी बूथों पर नहीं बैठ पाए। हमारे पूर्व के साथी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पोलिंग बूथों पर सभी लोग नहीं बैठ पाए, इसलिए हार की वजह बनी। इसके पूरे विश्लेषण के बाद हम लोगों को लगा कि जब चुनावी राजनीति में जाना है और लोकसभा के तुरंत बाद होना है और हम लोग एक नए दल के तौर पर उभर रहे हैं, तो इन पहलुओं पर काम किए जाने की ज़रूरत है। दूसरा हमारा था सामूहिकता। मैं चाहता हूँ कि नेतृत्वकर्ताओं की एक फ़ौज तैयार हो, क्योंकि मैं ये पाता हूँ कि झारखंड के अंदर दो दशकों के राजनीति के सफ़र में पूरे राजनीति के केंद्र में परिवारों का, पूंजीपतियों का, ऐसे लोगों का ही आधिपत्य रहा है और ये उनके कोने से बाहर आना चाहिए और आम घरों तक राजनीति शिफ्ट होनी चाहिए। तो फिर मैंने ये देखा कि वहाँ पर हमारे कुछ चेहरे सामने उभर करके नहीं आ पा रहे हैं। तीसरा एक मैनेजमेंट की बात। तो इन सारे पहलुओं पर मैंने लगातार कुछ सुधार का प्रयास किया और उन सुधारों के प्रयासों को लेकर के लगातार बातचीत करने की कोशिश की। उन सब बातों पर सहमति नहीं बनी और मेरा यही कहना था कि चीज़ों को सामूहिकता के भाव के साथ आगे बढ़ाना बेहतर होगा, ना कि हम चीज़ों को इंडिविजुअल सेंट्रिक कर दें, व्यक्ति केंद्रित कर दें। इन्हीं सब पहलुओं को लेकर के फिर मुझे अपना रास्ता अलग करना पड़ा। लेकिन मैं झारखंडी जनमानस को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग जो करना चाहते हैं, जो हम लोग जिन बिंदुओं को लेकर के आए थे, चाहे वो स्थानीयता हो, नियोजन हो, झारखंड के लोगों को नौकरी हो, चाहे यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसीज की बात हो, उन तमाम मुद्दों पर जिस पर हमारी लड़ाई थी, हमारी लड़ाई के केंद्र में वही है, वही विषय है, उन्हीं विषयों को लेकर के मैं एक नई टीम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब आपके कहने का मतलब कि सपना वही है, विजन वही है, एम वही है, सिर्फ रास्ते अलग हुए हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि जयराम, टाइगर जयराम महतो जो हैं, एक डिक्टेटर भी हैं, जिनका आदेश ही पार्टी का सर्वसम्मत राय होती है और उनकी मर्जी ही पार्टी का संविधान होता है? मैं तो अब उन पहलुओं पर नहीं जाना चाहूँगा कि वो क्या हैं व्यक्तिगत तौर पर, उनके व्यक्तिगत व्यवहार पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने जिन चीज़ों को पाया, मुझे ये महसूस हुआ कि चीज़ें इंडिविजुअल सेंट्रिक हैं, व्यक्ति केंद्रित हैं, हाँ, तो फिर मुझे अलग होना पड़ा। अभी वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ का हिस्सा नहीं हूँ। आपने जब अपना इस्तीफा दिया था, पार्टी को भेजा था, तो उसमें दो चार लाइन काफ़ी मार्मिक थे। आपने लिखा था कि मैं भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बनाना चाहता हूँ, सिद्धू कानू मुर्मू कानू के सपनों का झारखंड बनाना चाहता हूँ, बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का झारखंड बनाना चाहता हूँ। तो क्या हमें मान के चलें कि भाजपा के साथ आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, या अभी भी दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम उसमें जुड़ा जाना बाकी है, उसके पन्ने खुलने भी बाकी हैं? नहीं नहीं, देखिए मेरी बात समझिए, झारखंड और झारखंडियत हमारी प्राथमिकता है और हम अपने राज्य के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि इस राज्य ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, इस राज्य ने हमें अवसर दिया, इस राज्य ने हमें सींचा है, इस राज्य ने हमारे पुरखों को सींचा है, इस राज्य को बनाने में हमारे पुरखों ने अपना बलिदान दिया है। और आप चाहे बिरसा मुंडा का नाम ले रहे हैं, चाहे अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, चाहे सिद्धू कानू का नाम ले रहे हैं, हमारी लड़ाई इसी बात को लेकर के है कि जब पूरा वर्ल्ड, पूरा देश ये जानता है कि 1857 की क्रांति पहली क्रांति थी, लेकिन 1855 में जो हूल की क्रांति हुई, जो सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया और फूलो झानो ने किया, तो उस क्रांति को इतिहास के पन्नों में उस तरीके से जगह नहीं मिला। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे गौरवशाली इतिहास के पन्नों को छुपा दिया गया। तो अब इस दौर में इस पहलू पर बातचीत होनी चाहिए कि हमारे लोग कहाँ हैं, हमारा इतिहास कहाँ है और हमारे इतिहास को वो गौरवशाली स्थान क्यों नहीं मिला। तो इस बात की लड़ाई है, सबका अपना सम्मान है, सभी व्यक्तित्व का जो भी आप नाम ले रहे हैं उनका सम्मान है, लेकिन मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा से इत्तेफाक रखता हूँ, उनके पदचिन्हों पर चलना चाहता हूँ, बिरसा के क्रांति के विचारों से प्रभावित हूँ, सिद्धू कान्हू के क्रांति के विचारों से प्रभावित हूँ और मुझे लगता है कि सबके विचारों के समावेश से एक बेहतर झारखंड बनाया जा सकता है। बिरसा के क्रांति का विचार, सिद्धू कान्हू के क्रांति का विचार और चाहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के समानता का विचार, इन विचारों का समावेश करके एक बेहतर तरीके से अगर चला जाए तो समाधान का बहुत सारा रास्ता निकल सकता है। आपने जो अपना नया संगठन है, या आपने जो संगठन का निर्माण, उसका नाम भी जेबी केश रखा है जी, उसके फॉर्मेशन के दिन आपने कहा कि मैं इस पॉलिटिक्स से दूर रहूंगा, मैं चुनावी राजनीति में जाने से आपने इनकार कर दिया। उसके पहले इस तरह की खबरें चल रही थी कि संजय मेहता जयराम महतो पर यह दबाव बना रहे हैं कि उन्हें मांडू की सीट
और कुछ और दूसरे सीटों की राजकीय सदर की सीट के लिए आपकी डिमांड थी और इसके पूर्ति नहीं होने के कारण आपने पार्टी से अलविदा किया, पर आपने क्लियरफाई कर दिया कि मुझे चुनावी रणनीति में नहीं जाना है। तो क्या आगे भी यही आपकी रणनीति है या इस दरमियान जो 2 महीने या 1 महीने का वक्त बीता है इसमें आप सेकंड थॉट की ओर आगे बढ़ रहे हैं? नहीं देखिए, फिलहाल जिन विचारों को लेकर के और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो बातें कही थी उस पर हम लोग अड़ी हैं, लेकिन चूंकि अब एक बड़ी टीम हमारी भी बनी है झारखंड के अंदर, और मैंने शुरुआत में यही कहा था कि मेरे संगठन के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होगी, और मेरे संगठन के किसी भी साथी से आप कभी भी पूछिए कि कोई भी फैसला जब वहाँ पर हो रहा है तो सामूहिकता के साथ हम लोग बैठ करके निर्णय ले रहे हैं, और सभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के लोगों को हम लोगों ने अपने संगठन के अंदर स्थान दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, विभिन्नताओं में एकता की बात करते हैं, तो अगर हम विभिन्नताओं में एकता की बात कर रहे हैं तो किसी भी संगठन के अंदर जो डेमोक्रेटिक है और जो लोकतंत्र में चुनावी राजनीति की बात कर रहा हो उस संगठन के अंदर सभी का समावेश होना चाहिए, सभी को स्थान मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने ये फैसला किया है कि जो मैंने निर्णय लिया है कि मैं चुनावी राजनीति से दूर रहूंगा, अगर हमारे संगठन के साथी, चूंकि वो उस वक्त मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, अगर हमारे संगठन के साथी इस पर मुहर लगाते हैं कि आपको चुनावी राजनीति से दूर रहना है तो मैं दूर रहूंगा, अगर वो हम पर पुनर्विचार करने का कुछ दबाव डाल रहे हैं तो फिर मैं जनता के पास जाऊँगा और उनसे मैं फीडबैक लूँगा, उसी के आधार पर कुछ किया जा सकता है। फिलहाल मैं जो चाहता हूँ कि अपने साथियों पर मेहनत करूँ, चूंकि मैं अभी तुरंत चुनाव लड़ा हूँ लोकसभा का, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ नए नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार करूं, उनके लिए फील्ड में जाकर के मेहनत करूं, और एक नई पौध जो तैयार हो तो झारखंड में कुछ और नए नेतृत्वकर्ताओं की वो फौज अपने तरीके से फिर तैयार करेंगे, इसी पर मैं फोकस करना चाहता हूं। कुछ लोगों का दावा है कि संजय मेहता और जयराम महतो का जो ये बिलगांव है दरअसल कुर्मी पॉलिटिक्स बनाम कोरी पॉलिटिक्स का ये विवाद है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर झारखंड की धरती पर आप जाएंगे, और आपने जो कहा इस बात को, तमाम जाति धर्म समुदाय के लोगों का एक साझा संघर्ष रहा है। मैं आपको नाम गिना देना चाहता हूँ, जैसे अभी हमने नाम लिया पुराने क्रांतिकारियों का जो ब्रिटिश ज़माने में रहे, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, तिलका मांझी, शेख भिखारी, नादिर अली, जयमंगल पांडे, पांडे गणपत राय, मदरा मुंडा, इन तमाम लोगों का जितना भी आप नाम लेते हैं तो आप गौर करिए कि जितना संघर्ष यहाँ पर हमारे बिरसा मुंडा जी ने किया, तो शेख भिखारी का भी संघर्ष हुआ, नादिर अली का भी संघर्ष हुआ, जयमंगल पांडे का भी हुआ, नीलांबर पीताम्बर का भी हुआ, सिद्धू कान्हू का भी हुआ, तिलका मांझी का भी हुआ। और आपको याद होगा कि जब झारखंड का मैप बनना था तो स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी अब नहीं हैं, तो झारखंड का स्वरूप क्या होगा वो उन्होंने परिकल्पना की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के लोगों ने साझा संघर्ष किया है झारखंड के निर्माण में तो किसी जाति की बात नहीं आनी चाहिए। इसलिए इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि ये कोई जातीय राजनीति के कारण अलगाव हुआ है, ये पूरी तरीके से बात यही है कि जो मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, इंटरनल पार्टी में जो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी थी और एक सर्वसम्मत राय का अभाव था, इसके चलते ही आपने रास्ता ने, इसके सिवा टाइगर जयराम से कोई बड़ा सैद्धांतिक मतभेद नहीं था, मतभेद सिर्फ इनर डेमोक्रेसी की थी। देखिए, हम लोगों ने लड़ाई तो इन्हीं विचारधारा के आधार पर शुरू की थी ना, कि झारखंड के लोगों को हम लोग हक अधिकार दिला सके। देखिए, मैं यही समझता हूँ कि हम लोग लगातार कह रहे थे कि हम लोगों के सपनों का झारखंड ऐसा होना चाहिए, हमारा आइडिया ऑफ झारखंड ये है, हमारी परिकल्पनाओं में झारखंड इस तरीके से बसता है। वो हमारी परिकल्पनाएं क्या थी कि झारखंड के लोग जो पलायन से मजबूर हैं, मैंने उन तस्वीरों को देखा है बहुत। मैं आपको बताता हूँ अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं मुंबई के चेंबूर में गया था और झारखंड के कई सारे ऑटो चालक वहाँ रहते थे, तो उन लोगों ने इच्छा जताई कि आप मुंबई आए हैं तो ज़रा सा हम लोगों के पास आइए मिलिए। मैं एक कमरे में गया, एक कमरे में नीचे का सोने का जगह था और उसके ऊपर भी एक फ्लोर बना हुआ था, एक ही कमरे में जितने कम 10x10 का एक कमरा होगा, उससे भी छोटा कमरा, उसमें कम से कम 20 लोग सोते थे। उसी रूम में किनारे में एक जगह खाना बनता था और पारी पारी से, मतलब एक बार जब वो ऑटो चलाने गए तो फिर वो सोया, फिर मतलब इस तरह की ज़िंदगी झारखंड के लोग आज भी जीने को मजबूर हैं। कल ही मुझे एक फ़ोन आया कि हम लोग
झारखंड के गुमला के रहने वाले हैं और तेलंगाना में एक कंपनी में काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट वालों ने हम लोगों को भेजा था और हम लोगों को सिर्फ 8,000 रुपया मिलता है, वो भी 4 महीने से नहीं मिला है। ये हालात है झारखंड के लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी ऐसे विजन पर बात नहीं होनी चाहिए कि झारखंड में इतने माइनिंग के कंपनी हैं, इतने स्टील के कंपनी हैं, इतनी सारी कंपनियाँ। एक बार सभी के आप GM को, सभी के वहाँ के डायरेक्टर को बुलाइए और उनसे पूछिए कि जो हमने पॉलिसी बनाया था कि झारखंड के लोगों को 75% नौकरी निजी क्षेत्र की कंपनियों में मिलना चाहिए, इसका आपने कितना पालन किया है। हमारा आइडिया ऑफ झारखंड ये है कि 1,000 के मैया सम्मान योजना से कल्याण नहीं होगा, ये एक चुनावी सगुफा हो सकता है। हो सकता है कि तुरंत एक लाभ मिल रहा हो, लेकिन आप इससे लॉन्ग टर्म समाधान का रास्ता नहीं ढूंढ सकते हैं। आपको लोगों को वित्तीय तौर पर समृद्ध बनाना होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक आर्थिक सशक्तता, आर्थिक संपन्नता यहाँ के लोगों में आए, और उसका सरल रास्ता है, यहाँ पे जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ हैं उसमें अगर झारखंड के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरियाँ मिल जाए, काम मिल जाए, जितने टेंडर हैं, जितने थर्ड फोर्थ ग्रेड की नौकरियां हैं, कामकाज हैं, वो सारे काम अगर झारखंड के लोगों को ये कर सकते हैं लोग। जैसे हमारे पास ऐसा नहीं है कि MBA फाइनेंस और MBA HR किए हुए लोग नहीं हैं, लेकिन जाकर के वो बेंगलोर में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, यहाँ की कंपनियों में उनको स्थान नहीं मिल पा रहा। कंपनियाँ भी डरती हैं कि लोकल को देंगे, कल के दिन में हो सकता है कोई डिमांड मांग ले, कुछ स्ट्राइक पर बैठ जाएगा, ऐसी चीज़ें वो उन लोगों के जहन में रहती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इन पहलुओं पर बात करने की ज़रूरत। तो ये तो नौकरी की बात होगी। दूसरा, हमारे पास डोमिसाइल की पॉलिसी नहीं है, नियोजन की नीति नहीं है। सरना धर्म कोड के लिए आदिवासी इतना मांग करते हैं, उनकी मांग पूरी नहीं होती है। ST, SC, OBC, EWS का रिजर्वेशन नहीं हो पाता है, बिना OBC रिजर्वेशन के पंचायत चुनाव हो जाता है। हाई कोर्ट कहती है कि ट्रिपल टेस्ट कराओ, उसके बाद आप नगर निकाय का चुनाव कराइए, नगर निकाय का ये चुनाव नहीं करा पाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना किसी नीति के आप पूरे स्टेट को चला रहे हैं। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि इतनी बड़ी बात कि मंडल कमीशन की सिफारिश को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कि 27% का रिजर्वेशन OBC को कम ओबेस मिलना चाहिए, 14% का आप रिजर्वेशन देते हैं, ये तो एकदम असंवैधानिक है। और आप असंवैधानिक तरीके से एक राज्य को चला रहे हैं, ये बहुत खराब स्थिति है झारखंड के लिए। भविष्य में स्थितियाँ बहुत खराब हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा पहलू, जो लोकसभा में जब हम लोग लड़ रहे थे तो हम लोगों ने झारखंडी जनमानस को ये समझाया, झारखंड की आम जनता को ये समझाया कि क्यों लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि 14 के जो हमारे सांसद हैं और 6 राज्यसभा के जो सांसद हैं, ये 14 और 6 20 सांसद मिल करके भी झारखंड के मुद्दों पर कभी भी मुखरता से सदन के अंदर आवाज़ नहीं उठाते हैं कि यहाँ पर विस्थापन का जो क्षेत्र है, इतने लोग विस्थापित हुए हैं। कई जमीनों के संदर्भ में आपको ये बात मालूम होगी कि झारखंड में जब भी किसी माइनिंग का प्रोजेक्ट मिलता है किसी कंपनी को, तो खनन कितना टन का होना है एक उसमें रहता है कि इतना टन का खनन करना है, और उसके बाद उन जमीनों को उसी तरीके से समतल कर देना है। ऐसी पॉलिसी है ना, कोल बेयरिंग एक्ट के बारे में, हाँ कोल बेयरिंग एक्ट भी आप देखते होंगे। ये भी है कि जिन जमीनों का अधिग्रहण जिस उद्देश्य के लिए किया गया और उस पर अगर परियोजना नहीं लगी तो फिर वो रैयत को वापस होना है। R&R की पॉलिसी है विस्थापन का, जो पुनर्वास की पॉलिसी है और पुनर्स्थापना की, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की, इन सारे पॉलिसीज पे बात नहीं होती है। आप हालात देखेंगे, मैं अभी बात कर रहा था मात्र 2 दिन पहले डेवलपमेंट सेक्टर में, हमारे पिरामिल में फाउंडेशन में कुछ मित्र हैं, चाईबासा के सेक्टर में वो काम करते हैं, उन्होंने कहा कि चाईबासा में ये हालात है कि 80% से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं वहाँ पर एनीमिया से ग्रसित हैं, और कुछ ऐसे मामले हैं कि 12 साल की बच्ची 2 बच्चे की माँ बन गई है। और माइनिंग सेक्टर में मतलब उन लोगों के इतने सारे हेल्थ इशूज हैं, बाहर से जो ड्राइवर्स आ रहे हैं, बाहर से जो कुछ लोग काम करने आ रहे हैं, वहाँ पर कुछ अलग तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न हो जा रही है। तो हमारा स्टेट पूरी तरीके से एक बहुत बड़े शोषण का शिकार हो रहा है। ये शोषण क्या है कि जो पूंजीपति शक्तियाँ हैं वो चाहती हैं कि यहाँ के लोग साक्षर ना हो, यहाँ के लोग शिक्षित ना हो, और यहाँ के लोग आर्थिक तौर पर संपन्न ना हो, और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ के जो विशिल ब्लोअर्स हैं, वो ज़्यादा मुखरता से किसी बात को ना उठा सकें, नहीं तो हमारे माइनिंग प्रभावित हो जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, महाराष्ट्र में आरे जंगल काटा जा रहा था मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, पूरे लोग विरोध करने लगे, पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में चलने लगा, हमारे यहाँ जंगल के जंगल उजाड़ दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े खदान चालू किए जा रहे हैं, अडानी आई है गोंदलपुरा में, वहाँ पर प्लांट खोलना चाहती है, NTPC है, आम्रपाली का प्रोजेक्ट्स है,
तमाम आप माइनिंग एरिया में जाकर के देखिए लाइफस्टाइल क्या है, पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद हो गई। आपका घर बर्बाद हुआ, आपके खेत बर्बाद हुए, आपका स्वास्थ्य बर्बाद हुआ, और मिला क्या आपको, यही कि आप वहीं पर फिर से अपना एक चाय दुकान खोलिए और उन्हीं अफसरों को पिलाइए। झारखंड की सियासत में बाकी तमाम मुद्दे तो आपने खुद ही गिना दिया, 1932 का खतियान, सरना धर्म कोड, ये सारे मुद्दे तो आपने गिना दिया। झारखंड की सियासत में इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गर्म है, इसे आप किस रूप में, इस वास्तविकता है या एक फसाना है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे एकदम स्पष्टता के साथ, हम एक इंडियन सिटीजन हैं और हमें दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है, और उसके बाद अगर उस देश ने अगर वीज़ा ऑन अराइवल्स रखा है या फिर वीज़ा फ्री रखा है या फिर वीज़ा लेना है, तो हमको वीज़ा लेना होगा उसके देश के भौगोलिक क्षेत्र में घूमने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बिना पासपोर्ट की प्रक्रिया को पूरा किए हुए, बिना वैधानिक प्रक्रिया को, बिना कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए हुए हमारे देश की सीमा को लांघ रहा है, तो वो अवैध तरीके से हमारे देश में घुसा है। इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय भारत सरकार, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश की अगर सीमा में प्रवेश कर रहा है, तो जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो हमारे तमाम सीमा सुरक्षा के जवान हैं और सीमा सुरक्षा के जो भी हमारे प्रयास हैं, कवायद हैं, उस पर क्या कोई खामी है? और चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में राज्य के विषय और केंद्र के विषय तय किए गए हैं, और ऐसे में अगर राज्य के अंदर कोई ऐसा नागरिक जो भारतीय नहीं है और हमारे राज्य में प्रवेश किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और इसमें फिल्ट्रेशन होना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति यहाँ पर आधार कार्ड बना लेता है, यहाँ पर वोटर कार्ड बना लेता है और यहाँ पर पैन कार्ड बना लेता है, तो ये दोहरी गलती है। कई देशों में जो दूसरे देशों को लोग गए, तो वो नॉन सिटीजन तौर पे रहते हैं, रिफ्यूजी कैंप में रहेगा या कहीं रहेंगे, तो अगर आप हमारे देश में आए हैं तो सरकारी योजनाओं का लाभ, वो लाभ आप नहीं ले सकते जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो। तो सरकार को तो सबसे पहले अगर कोई आया है तो उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहिए, अगर ऐसी वास्तविकता है तो। मतलब मैं कानूनी पहलू पर बात कर रहा हूँ, और इन सारे पहलुओं पर एक स्पष्टता के साथ जो जिम्मेदार मंत्रालय है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार नौकरशाही है, जो जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता हैं, जो इसके लिए अकाउंटेबल हैं, जो केंद्र में और राज्य में बैठे हैं, उनको इस पर अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए, अपना उत्तरदायित्व तय करना चाहिए। मेरा ये स्टैंड है इस पर। झारखंड का बेहतर सीएम कौन, सीएम हेमंत या रघुवर दास? मुश्किल सवाल है, लोग समाधान का रास्ता नहीं दे पाए। जो हमारी लड़ाई रही रघुवर जी ने, एक थोड़ा सा प्लस कर देते, यदि आपके पास 10 अंक हैं जी, तो इसमें रघुवर दास को कितना अंक दीजिएगा और सीएम हेमंत को कितना अंक दीजिएगा, उनको उनके कार्यकाल के लिए, इनको इनके कार्यकाल के लिए? दोनों का कार्यकाल की परिस्थितियां अलग रही हैं, लेकिन चूंकि आप नंबर देने की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल पहलुओं पर जाता हूं। मैंने 2-3 चीज देखे। जब आप कोई इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स करते हैं, तो उसकी गुणवत्ता में, उसकी कार्यशैली में भी वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन कुछ पहलुओं पर मैंने देखा कि हमारे पास बहुत सुंदर विधानसभा भवन बना रघुवर दास जी के कार्यकाल में, लेकिन उस विधानसभा से सुंदर नीतियां नहीं बनी, तो ये कमी रही। हाँ, इंफ्रा बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक हाईकोर्ट का बिल्डिंग सुंदर सा बना, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में आपने देखा कि बहुत हमारे जो फास्ट ट्रैक के मामले हैं या डिजिटलाइजेशन का मामला है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं हो पाई। कुछ सड़कों का काम रघुवर दास के समय में हुआ, तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उनको अंक दिए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने स्थानीय नीति का समाधान का रास्ता वे भी नहीं निकाल पाए, 1985 का उन्होंने ये कर दिया, तो इंफ्रा के मामले पे उन्हें कुछ नंबर दिया जा सकता है। सीएम हेमंत को, सीएम हेमंत सोरेन जी दिशोम गुरु के बेटे हैं, और जब वो बने थे तो बड़ी उम्मीद थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा उस वक्त कैंपेन चलाया था। हाँ, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि एक संवेदनशीलता तो उनके अंदर होनी चाहिए, लेकिन मैं ये पाता हूँ कि नौकरशाही को कंट्रोल करने में वो फेल साबित हुए हैं, और नौकरशाही उनके सरकार में पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। और इस सरकार के अंदर सबसे बड़ा जो एक खामी है,
वो ट्रांसफर और पोस्टिंग की। मैं ये खुले तौर पर एकदम एलिगेशन कहिए या बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी एक उद्योग का रूप ले लिया और यहीं से ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर झारखंड का नौकरशाही जो है बहुत डिग्रेड किया। ब्यूरोक्रेट्स क्या हुए कि जब उन्हें ये लगने लगा कि हम किसी सरकार के मुखिया को या उसके आसपास रहने वाले लोगों को प्रभावित करके अपना ट्रांसफर और पोस्टिंग करा रहे हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व तो इतना ही है कि हमने जो ट्रांसफर पोस्टिंग में खर्चे किए हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो नौकरशाही का स्तर गिर गया। इसलिए आज झारखंड के किसी अंचल में आप जाइए और एक किसी सीओ से कहिए कि मैं एक म्यूटेशन कराना चाहता हूँ अपनी ज़मीन का, तो वहाँ पर कोई आसपास बिचौलिया होगा या सीओ के लोग ही होंगे जो आपसे कुछ पैसे की मांग करेंगे। ये एक सच्चाई है झारखंड के अंदर। तो बहुत बुरे स्तर पर झारखंड की नौकरशाही चली गई है। एक एमुजेशन कल्पना है, राजनीति में कल्पनाओं का भी अपना जी। मान लिया जाए कि झारखंड की विधानसभा में जो जो चुनाव होने जा रहा है, एक हंग असेंबली बनता है जी, हंग असेंबली का क्रिएशन होता है और आपकी पार्टी को 2 से 3 लोग निर्वाचित होकर के आते हैं, उस दशा में आप एनडीए का साथ दीजिएगा या यूपीए का साथ दीजिएगा? इसका हमने एकदम जवाब बहुत स्पष्ट तरीके से तैयार रखा है। हमारे पास अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, अपना झारखंडी एजेंडा है, झारखंडियों के कल्याण का अपना एजेंडा है। क्योंकि लोकतंत्र में जब कई लोग आते हैं अलायंस में, तो कई बार क्या होता है कि बिना शर्त के भी कई लोग अलायंस कर लेते हैं बस सत्ता सुख भोगने के लिए। लेकिन राजनीति में विचारधारा सर्वोपरि है। जनता जिस विचारधारा के बुनियाद पर आपको चुनती है उस पर आप कितने टिके रहते हैं, कितना प्रतिबद्ध रहते हैं, उस पर आपकी परीक्षा होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं अपने एजेंडे को टेबल पर रखूँगा अगर कोई सामने आता है तो। अगर उस एजेंडे पर वो सहमति दर्ज कराते हैं कि आपके इस एजेंडे को हम फुलफिल करेंगे तो उनके साथ जाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि आप बिना शर्त आइए, आपका एजेंडा हमारे लिए मायने नहीं रखता है, तो हम संघर्ष करना चुनेंगे, सत्ता का रास्ता हम लोग नहीं चुनेंगे। एक लाइटर मोड में एक सवाल जी, टाइगर जराम से आज भी दुआ सलाम होती है? अभी तो हम लोग एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में मुलाकात हुई, तो जैसे ही वो आए तो मैंने उनको हेलो कहा, नमस्कार कहा। और देखिए एक नॉर्मल जो कटसी है वो होना चाहिए। मुझसे मंच पर भी पूछा गया कि क्या उनसे कुछ दूरी है, तो हमने कहा नहीं, ऐसी कोई दूरी नहीं है, मिले हैं तो हाथ मिलाएंगे, गले लगेंगे, उसमें क्या है। वैचारिक तौर पर हमारी एक थोड़ी सी ये हुई, मनभेद कभी नहीं रखना चाहिए। मतभेद तो राजनीति में तमाम लोगों के चलते रहते हैं। जराम के साथ कोई मतभेद मनभेद नहीं है? नहीं, मेरा किसी से मनभेद नहीं होता है। देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि दूरियां इतनी ही रखिए कि जब कभी हम फिर मिलें तो शर्मिंदा ना। लास्ट और अंतिम सवाल नहीं, एक आग्रह, झारखंड के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? झारखंड के नौजवानों को समृद्ध झारखंड के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये साफ संदेश देना चाहता हूँ कि झारखंड एक बहुत बड़े रिफॉर्म की मांग कर रहा है और आप सब आइए। और आप लोगों को लगता होगा कि क्या सिर्फ राजनीति के ही रास्ते से हम अपना योगदान दे सकते हैं? नहीं, आप जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, आप झारखंड को दे सकते हैं। जैसे मैं कई साथियों से ये कहता हूँ कि आप जाकर के दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, कई मेरे मित्र हैं जो उड़ीसा में इंजीनियरिंग करने गए, फिर वहाँ पर रेस्टोरेंट खोल लिया कुछ क्रिएटिव आइडियाज के साथ। हमने कहा कि दूसरे राज्यों में हम जब जाते हैं तो पहाड़ों पर मैं देखता हूँ कि कोई कैफ़े खुला हुआ है, कहीं पर जाता हूँ तो देखता हूँ पहाड़ों पर कोई हिल टॉप कैफ़े खुला है, वहाँ पर भी बुलेट से लोग पहुँच रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और वो हिल टॉप कैफ़े भी बहुत चल रहा है। हमारे पास इतने पहाड़ हैं, इतने पर्वत हैं, इतने जंगल हैं, हम पर्यटन को उद्योग में नहीं बदल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, लोग जा रहे हैं तो कुछ अपराध की घटनाएँ हो जा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। तो अगर सरकार लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर दे, हम पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दे दें और बहुत ज़्यादा फुटफॉल अगर पर्यटकों का बढ़ जाए, तो आप कल्पना करिए कि जिन पहाड़ों पर आकर के खनन हो रहा है और उनको बर्बाद कर दिया जा रहा है, उन्हीं पहाड़ों और हरियालियों के बीच में हम कुछ बेहतर इनिशिएटिव के साथ करोड़ों रुपया यहाँ के लोगों के रोजगार के माध्यम से उनको दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन इनोवेटिव आइडियाज़ पर आइए काम करते हैं, झारखंड को एक समृद्ध झारखंड बनाते हैं और समृद्ध झारखंड और समृद्ध भारत के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।